लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, मनपा के शमशानों में भी आरक्षण चलता है, रैक रिजर्व किए जाते हैं जहां हर किसी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। जी हाँ, यहाँ के रिजर्व रैक पर अंतिम संस्कार के लिए गाँव वाला होना जरूरी है। दरअसल नाइंसाफी की यह घटना का खुलासा नेरुल के एक शमशान से सामने आया है। शिवसेना नेता दिलीप घोड़ेकर ने एक कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार की मनाही का सबूत दिखाते हुए आज मनपा आयुक्त से मुलाकात की और निवेदन देकर शमशान कर्मचारियों द्वारा की जा रही इस गंभीर मनमानी को तत्काल रोकने की मांग की। इस दौरान शिवसेना के उपजिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव, पूर्व सभागृह नेता रविन्द्र थापे, इंटक के जिलाध्यक्ष रविन्द्र सावंत समेत कई नेता मौजूद थे। दिलीप घोड़ेकर ने कहा कि शमशान में अंतिम संस्कार के दौरान ऐसा भेदभाव इंसानियत के साथ नाइंसाफी है, इसलिए यह तत्काल रुकनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। महानगर पालिका के अधिकारी भी उनको कुछ बोलते नहीं, ये भेदभाव मशीन में होने लगा है, तो सब बात मानुष्य का जो बात है वो तो सब खत्म हो गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। वहाँ के सिक्योरिटी वो लोगों को बुलाकर वहाँ पर दादागिरी करती है और वो बड़ी इधर चलाने को नहीं देती। अगर इसके आगे बोलने वाले किसी को तकलीफ हो गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तस्वीर में दिख रहा नवीनबई के नेरुल सेक्टर 2 का यही वो सार्वजनिक शांति धाम शमशान है जहां अंतिम संस्कार में भी आरक्षण चलता है। जी हां, यहां एनएमएमसी का नहीं बल्कि कुछ गांव वालों का कानून चलता है। यकीन नहीं आता तो अंत्येष्टि के लिए बनाए गए इन 5 रैकों को ही देख लीजिए। इनमें से सिर्फ 3 रैकों पर ही अंतिम संस्कार हो रहा है जबकि 2 रैक खाली पड़े हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले यहाँ अंतिम संस्कार के लिए कतार में हैं। उनके परिजन इन खाली रैकों पर अपने मृतक का अंत्येष्टि करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, फिर भी यहाँ के कर्मचारी इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इन रैकों पर अंत्येष्टि के लिए गांव वाला होना जरूरी है। शिवसेना के उपजिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर ने बीती रात हुई मनाही की ऐसी ही घटना का खुलासा करते हुए मनपा आयुक्त को शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। आयुक्त से मिलने के बाद शिवसेना नेता दिलीप घोड़ेकर और पूर्व सभागृह नेता रविन्द्र थापे ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, शमशान में ऐसा भेदभाव इंसानियत के साथ नाइंसाफी है, इसलिए इसे तत्काल रोकना चाहिए। पर नेरुल के स्मशान भूमि जो है, हमारे नेरुल वैकुंठ धाम स्मशान भूमि नेरुल सेक्टर 4, वो स्मशान भूमि में हम गए 1.5 साल से देख रहे हैं। उधर से कोई लोग आके उधर विरोध कर रहे हैं कि बाहर का बॉडी इधर जलाने का नहीं, और बाहर का बॉडी आएगा तो रात को 1-2 बजे उनको कोई मैसेज देते हैं, और रात को 1-2 बजे आके वो लोगों को जिसके लोगों के ऊपर दुख होता है, वो लोग फैमिली पेनिंग रहता है, उस टाइम वो आके उनको विरोध किया जाता है और वो बॉडी उधर जलाने नहीं देते। उसके बाद अभी तो 1.5 साल हम लोग सब सुन रहे थे, कल रात को ऐसा हो गया 11 बजे मेरे बाजू का एक हमारे कजिन है वो गुजर गए। रात को वो लोग स्मशान भूमि गए तो उनको बोला गया कि अभी सब रिजर्व है, इधर खाली नहीं है। तो उन्होंने देखा 2 स्टैंड खाली था, वो लोग बोले अभी 5 स्टैंड से 2 स्टैंड खाली है, 3 स्टैंड में बॉडी है, पर ये 2 स्टैंड में क्यों नहीं आप ये करते? नहीं, बोले वो कोई अलग लोगों के लिए वो रिजर्व रखा है। मैं उधर जाके पूछा तो बोले नहीं, उधर मैं बोला कमिश्नर साहब बोले है क्या, नई मुंबई महानगर पालिका ने रूल लगाया क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है, इधर के लोकल लोग आके हमको बताते कि ये 2 जगह पे बॉडी जलाने का नहीं। तो वो उसके बाद उसने वो 2 वो स्टैंड पे नहीं लगाया, वो 3 में एक को
जबरदस्ती जला के उसको राग बाजू में किया और उसके जगह पे उनको जलाने को दिया सुबह 6 बजे। इसका मतलब ये दो जो स्टैंड है वो एम्प्टी रखने का मतलब क्या और लोगों को तकलीफ क्यों देने का? तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो लोग बोले कि अलग लोग बोलेगा तो क्या है, सब लोग तो समान है, सरीका है। कोरोना की बॉडी जब दफनाई जाती है तो जलाई जाती है, वो टाइम पे ज़्यादा उसके साथ रिलेटिव नहीं रहते, 4-5 लोग रहते उनको ही अनुमति दी जाती है, और उसमें से जो भी रहते हाईली स्टैंडर्ड क्वालिफाइड लोग रहते वो झगड़ा मारामारी करना नहीं चाहते। पहले से ही बॉडी मिलने के लिए उनको 5-6 घंटा लगता है, बॉडी उधर जाने के बाद जो पैनिक होते हैं और उसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी वो लोकल लोगों को बुलाकर वहाँ पर दादागिरी करती है और वो बॉडी इधर जलाने को नहीं देते, ऐसा बोलते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस 15 दिन में 3 बॉडियाँ उधर से शिफ्ट की है, क्योंकि उन लोगों ने रात को आकर दादागिरी की है, बाहर की बॉडी वहाँ जला नहीं जाती है। एक तो कॉरपोरेशन का रूल है, कोरोना के जो डेथ होते हैं वो लोकल जगह पर ही वो जलाया जाना, ये रूल है। ये रूल होने के बाद भी ऐसी अगर किधर ये बात होती है तो बहुत गलत बात होती है। अब जरा शमशान गेट पर लगे इस बैनर को भी देख लीजिए, यह नोइंबई महानगर पालिका का बैनर नहीं है बल्कि सारसोले गांव के कुछ दबंग ग्रामीणों ने यहाँ तुगलकी फरमान की तरह इस बैनर को लगा रखा है। बीते 1.5 साल से इसी बैनर का हवाला देकर शमशान कर्मचारी यहाँ के 2 रैकों पर अंतिम संस्कार से मना करते रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार यहाँ रिजर्व रैकों पर सिर्फ उन्हीं का अंतिम संस्कार होगा जो नेरुल और सारसोले गांव के होंगे। सवाल यह है कि जब स्थानीय ग्रामीणों के लिए अलग से अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है तब इस सार्वजनिक शमशान में ऐसे आरक्षण के जरिए कब्जे की जरूरत क्या है? इसके खिलाफ तमाम शिकायतें भी होती रही हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिवसेना नेता दिलीप घोड़ेकर और रविंद्र इथापे ने भी मनपा प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अभी 25-30 साल वो लोग नेरुल में सेक्टर 10 में रहे हुए हैं और वो मुंबई महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं, और ऐसा होते ही मुंबई महानगर पालिका का एकमेव स्मशान भूमि है जो मुंबई का पूरा नेरुल शहर को उसका यूज किया जाता है। अभी का नहीं, हम लोग आया 87 से रहते तभी से वो स्मशान भूमि यूज किया जाता है, और आज और कल 2 दिन में ऐसा रूल निकल गया कि 2 स्टैंड में करने का नहीं। ऐसे परिस्थिति में सब लोग टेंशन में, सब लोग दुआ मनस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में ये लोग ऐसा आके उधर आके ये बात करते हैं, कोई महानगर पालिका के अधिकारी भी उनको कुछ बोलते नहीं। उनको बोला जाता है तो नहीं अपन दूसरा स्टैंड पर्याय स्टैंड तैयार करेंगे और स्टैंड बढ़ाएंगे। अरे जो स्टैंड है वही स्टैंड सबके लिए खुला करो, दूसरा स्टैंड बढ़ाने का जरूरत क्या है? पर आज ये बात कमिश्नर साहब के कान पे हम लोग डालिए, कमिश्नर साहब ने हम लोग को एक ये दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं खुद ध्यान दूंगा और जो ऐसा कुछ होता है तो होने नहीं दूंगा। ये हफ्ते में हम लोग कमिश्नर को जाके मिले कि यहाँ पर स्मशान भूमि के बाहर किसी लोग ने बोर्ड लगाया है, उसके खुद के कानून वहाँ पर लिखे, आप तुरंत निकाले, अभी तक निकाला नहीं। आज भी बोले कि वो बोर्ड आपके हटाया नहीं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल वार्ड ऑफिसर है या कि सहायक आयुक्त कहा जाता है वो भी थोड़े डर रहे, हम क्या करें, हाथ ऊपर करते। आज हम लोग ने बोला है कि अगर आपने वो बोर्ड हटवाया नहीं, अगर इसके आगे बोलने वाले को किसी को तकलीफ हो गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन करेंगे कि ये कॉरपोरेशन की स्मशान भूमि है, और कॉरपोरेशन के कमिश्नर होने के बाद आप अगर उसके ऊपर कुछ दखलंदाजी नहीं लेते तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है, ऐसा भी इशारा हम लोग ने आज दिया है। बताते चले कि नोइंबई मनपा का निर्देश है कि कोरोना से मरने वाले मरीजों का अंतिम संस्कार उसी स्थानीय शमशान में होना चाहिए जिस इलाके के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। मकसद है कि संक्रमण न फैले, लेकिन नेरुल के इस शमशान में चल रही ऐसी मनमानी कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए नई मुसीबत पैदा कर रही है। उम्मीद है कि मनपा आयुक्त इस पर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।